ॐ ह्रीं नमो आयरियाणं ॐ ह्रीं नमो उवज्जायाणं ॐ ह्रीं नमो नोये सब्साहूणं एषो पञ्चनमुक्कारो सब पावपणासनो मंगलानं च सव्येषिं परमं हवै मंगलं परमं हवै मंगलं। आराध्य देव के चरणों में वंदन। संवत्सरी महापर्व की आराधना में उपस्थित भाइयों तथा बहनों, आज संवत्सरी महापर्व का आगमन हो चुका है। संवत्सरी महापर्व मैत्री भाव बढ़ाने का पर्व है। संवत्सरी महापर्व अहिंसा के भावों को बढ़ाने का पर्व है। संवत्सरी महापर्व कसायों के समन का पर्व है, कसायों को शांत करने का पर्व है। संवत्सरी महापर्व क्षमा का पर्व है। संवत्सरी महापर्व पुराने जो पाप है उसको धोने का पर्व है। संवत्सरी महापर्व आत्मनिरीक्षण का पर्व है, अपने आप को देखने का पर्व है। संवत्सरी महापर्व के दिन कहा जाता है 6 बातें अवश्य करनी चाहिए। सबसे पहली बात आलोचना अवश्य करनी चाहिए आज के दिन। दूसरी बात निंदा, दूसरों की निंदा नहीं अपनी निंदा करनी चाहिए। तीसरी बात गर्हा करनी चाहिए। चौथी बात प्रतिक्रमण करना चाहिए। पांचवी बात प्रायश्चित करना चाहिए। छठी बात क्षमा याचना करनी चाहिए। ये 6 बातें आज के दिन अवश्य करनी चाहिए। आलोचना का बड़ा महत्व है। यदि आलोचना नहीं करता है तो व्यक्ति की गति कैसी हो जाती है। सीता महासती थी, पूर्व जन्म में वो वेगवती थी, वो बहुत सुंदर थी। अपने रूप पे उनको अहंकार था, घमंड था। एक दिन वो जा रही थी, रास्ते में देखा एक मुनिराज प्रवचन कर रहे थे। उसको लगा कोई भी लोग मेरे सामने नहीं देख रहे, ये तो जब भी मैं बाहर जाती लोग झुंड के झुंड मेरा रूप देखने के लिए आ जाते थे, लेकिन आज सब मुनिराज का प्रवचन सुन रहे हैं, मेरे पे कोई ध्यान नहीं दे रहे। सीता क्या करती है, उस समय वेगवती नाम था, वो वेगवती क्या करती है सब लोगों को, ये संत कौन ही पता है आपको। कल मैंने इस संत को, मुनिराज को, एक स्त्री के साथ देखा था, आप किसका प्रवचन सुन रहे हैं। सब लोग छी छी थू थू करके काफी भीड़ वहां से चली जाती है, क्योंकि लगा अरे मुनिराज तो उनका चरित्र सही नहीं, करेक्टर सही नहीं, ऐसे लोगों का प्रवचन सुन के हम क्या करें। जूठा कलंक लगाया, जूठा कलंक लगाने से उसका जो चेहरा था एकदम ब्लैक हो जाता है। पिताजी पूछते आज क्या बात है, आज तुम्हारा धूप कहाँ चला गया, ऐसे कैसे हो गया, क्या तुमने कुछ झूठा कलंक लगाया है किसी मुनिराज पे। उसने कहा हाँ मैंने लगाया, तुम जाओ प्रायश्चित करो। लेकिन उसने कहा मैं नहीं जा सकती, मुझे शर्म आती है, मैं कैसे जाऊं। प्रायश्चित नहीं किया, आलोचना नहीं की, उसका परिणाम उसको रावण के घर में जाकर के कलंक भोगना पड़ा। सीता महासती बने उनके ऊपर झूठा कलंक क्यों आया, क्योंकि उन्होंने भी झूठा कलंक लगाया था, इसीलिए उनके ऊपर भी झूठा कलंक आया। तो हम जो भी पाप करते हैं वैसा ही फल हमें मिलता है। तो संवत्सरी महापर्व के दिन हम जो भी हमारे डे टू डे लाइफ में जाने अनजाने इस वर्ष के अंदर जो भी हमारे से भूले होंगे उनका आज हमें क्या करना है, प्रायश्चित करना है। प्रायश्चित करके हमें शुद्ध होना है। ये जो संवत्सरी महापर्व के पहले हम 7 दिन से संवत्सरी महापर्व की आराधना कर रहे थे, ये पहले तो एक ही दिन संवत्सरी महापर्व मनाया जाता था, लेकिन वर्तमान समय में हम 8 दिन पर्युषण के मनाते हैं। संवत्सरी से पहले 7 दिन हम और आराधना करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि यह परंपरा शायद उत्तरवर्ती आचार्यों ने शुरू की। उनको लगा ये पंचम काल के जीव है, वो भारी कर्मा है, एक दिन की आराधना से उनका दिल पसीजेगा नहीं,
इसीलिए 7 दिन पूर्व में रखे, ताकि 7 दिन तक आराधना करेंगे तो थोड़ा बहुत दिल जरूर उनका पसीजेगा, और थोड़ी बहुत आराधना करेगा तो उसके अंदर और अच्छे भाव आ सकते हैं उसके कारण। दूसरी बात है, कर्म कितने होते हैं? 8 कर्म होते हैं। 8 कर्मों को तोड़ने के लिए भी शायद 8 दिनों की ये प्रथा शुरू की हो, परंपरा शुरू की हो। और मंगल भी कितने होते हैं? अष्टमंगल होते हैं। और कोई भी महोत्सव मनाया जाता है वो भी अष्टांगिक होता है, 8 दिनों का मनाया जाता है। शायद ऐसा सोच करके हमारे उत्तरवर्ती आचार्य ने संवत्सरी से पहले 7 दिन यानी टोटल 8 दिनों की आराधना करने के लिए कहा। तो हम लोग 8 दिन यानी संवत्सरी से पहले 7 दिन तक कल्प सूत्र का हमारा वाचन चल रहा था। कल्प सूत्र के अंतर्गत हमने भगवान महावीर स्वामी के जो मुख्य मेन जो 27 बर्थ हैं उनको हम सुन रहे थे। तो 27 जो बर्थ भगवान महावीर के 27 ही बर्थ नहीं थे, उनके भी अनंत काल से वो भी यात्रा कर रहे थे, उनके भी अनंत जन्म थे। लेकिन 27 भव तो हम तब से गिनते हैं जब सम्यक्त की प्राप्ति हुई, जब जीव को पहली बार सम्यक्त की प्राप्ति होती है तब रिवर्स काउंटिंग शुरू होती है हमारे जन्म की। उससे पहले किसी के पास टाइम भी नहीं होता है कि हमारे बर्थ की वो काउंट करे। जब सम्यक्त की प्राप्ति होती है उसके बाद रिवर्स काउंटिंग शुरू हो जाती है। तो भगवान महावीर स्वामी को नए सार के भव में सम्यक्त की प्राप्ति हुई, उसके बाद से उनके भव की नए सार के भव से उनके भवों की काउंटिंग शुरू हो गई। तो ऐसे करके नए सार के भव से फिर देवलोक में जाते, फिर मरीचि बनते, फिर एक देवगति में, फिर मनुष्य। ऐसे करते करते 15 भाव तो उनके ऐसे बीत गए। फिर 16वें भाव में भी विश्वभूति बनते हैं, वहां बहुत बड़ा वो पाप कर लिया, निदान कर लिया, जिसके कारण वापस वो एक बार तो वो देवगति में जाते हैं। लेकिन 18वें भाव में वासुदेव बनते हैं। वासुदेव का जो शासन था वो बड़ा क्रूर था, क्रूर अनुशासन, क्रूरता के कारण बहुत सारे युद्ध भी किए, बहुत सारे लोगों की हत्या की, उन्होंने बहुत सारे पापों का वह अर्जन किया। परिणाम स्वरूप सारे पुण्य थे खत्म हो गए, मर करके त्रिपृष्ठ वासुदेव यानी भगवान महावीर स्वामी की आत्मा वो 7वीं नारकी में जाती है। वहां से भी उनके पाप के पलड़ा भी भारी था, इसलिए वहां से निकलने के बाद भी वो कहाँ आते हैं? शेर की योनि में, यानी शेर बन जाते हैं, शेर बन जाते हैं। वहां भी वो बहुत पाप किए, मर करके शेर वापस 4थी नारकी में जाता है। वहां से भी कहा जाता है छोटे छोटे भव असंख्य बीच में कर लिए, उसकी तो काउंटिंग ही नहीं। ये जो मेन भव किए बड़े भव, मनुष्य तिरंज गति के, नरक गति के, देव गति के, उनकी ही काउंटिंग हम करते हैं। बाकी बीच बीच में छोटे छोटे भव भी भगवान महावीर की आत्मा ने बहुत सारे किए। उसके बाद नरक से निकलते हैं, उसके बाद उनके जो पाप थे काफी उनके हल्के हो गए, क्योंकि सारे पाप थे लगभग लगभग, काफी सारे तो नहीं लेकिन काफी पाप उन्होंने नरक में रह करके भोग लिए। वो वापस नरक से निकलने के बाद वो मनुष्य बनते हैं 22वें भाव में भी। 23वें भाव में वो चक्रवर्ती बनते हैं, और वहां पे चक्रवर्ती बनते हैं, वहां भी दीक्षा स्वीकार करते हैं। और 24वें भाव में वो स्वर्ग में जाते हैं। 25वां भाव उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट था, बहुत ही महत्वपूर्ण था, क्योंकि 25वें भाव में उन्होंने क्या किया? तीर्थंकर गोत्र का उपार्जन किया, जो तीर्थंकर बंधन के 20 कारण है। तो कहा जाता है बाकी जो तीर्थंकर थे उन्होंने तो केवल 2 कारणों की आराधना की, लेकिन भगवान महावीर स्वामी की आत्मा ने 20 के 20 जो तीर्थंकर गोत्र कर्म बंधन के कारण ज्ञाता सूत्र में मिलते हैं, 20 उन्होंने आराधना की। और उस नंदन के भव में 1 लाख वर्ष का संयम पर्याय पाला। 25 लाख वर्ष की आयुष्य था, उनमें से 24 लाख तो घर में रहे, लेकिन 1 लाख वर्ष तक संयम का पालन किया। और उसमें उन्होंने 11,60,000 मास कमण किए, 11 लाख कंटिन्यू 1 लाख वर्ष तक मास कमण के पालन, मास कमण, मास कमण के पालन, मास कमण करते करते 1 लाख वर्ष में कितने मास कमण हो गए? 11,60,000 मास कमण कर लिए।
तप की आराधना की और उसके साथ अर्हत भक्ति, सिद्धों की भक्ति, गुरु की भक्ति, प्रवचन भक्ति, ये सारी आराधना करने से उन्होंने तीर्थंकर गोत्र कर्म का बंद कर लिया। और तीर्थंकर गोत्र कर्म का बंद हो जाता है उसके बाद वो तीसरे भाव में अवश्य ही मोक्ष जाता है। तो वहां से नंदन का भाव था, जो नंदन मुनि थे, मृत्यु के बाद वो स्वर्ग में जाते हैं और उसके बाद वो 27वें भाव में भगवान महावीर बनते हैं। तो भगवान महावीर की यात्रा चल रही है, तो भगवान महावीर स्वामी का जन्म भी चैत्र शुक्ला त्रयोदशी को हो जाता है। उसके बाद उनकी शादी भी होती है, शादी होने के बाद उनके एक पुत्री का जन्म भी होता है। उसके बाद जब 28 वर्ष के होते हैं तब वो दीक्षा लेते हैं, क्योंकि 28 वर्ष तक उनके माता पिता जीवित थे, उन्होंने गर्भ में ही प्रतिज्ञा की थी, जब तक मेरे माता पिता जीवित रहेंगे तब तक मैं दीक्षा ग्रहण नहीं करूंगा, ऐसा उनका संकल्प था। जैसे ही संकल्प पूरा होता है तो नंदीवर्धन के पास आए और कहा, अब मेरा संकल्प पूरा हो चुका है, आप मुझे परमिशन दे। तो नंदीवर्धन कहते, अभी अभी तो माता पिता का वियोग हुआ है, अभी मैं कैसे दे सकता हूँ, और दूसरे लोग भी क्या कहेंगे, देखो माता पिता का स्वर्गवास हो गया, बड़े भाई ने अपने छोटे भाई को निकाल दिया, उसको दीक्षा दे दी। व्यवहार भी देखना होता है, प्लस माता पिता का वियोग भी है, उनको भी मैं सहन नहीं कर पा रहा हूँ, तो तुम्हारा वियोग मैं कैसे सहन कर पाऊंगा, मेरे कहने से, माता पिता के कहने से तो तुम, माता पिता के लिए तो तुम 28 वर्ष रहे, लेकिन मेरे लिए भी आपको कुछ वर्ष रुकना होगा। तो कहते कितने वर्ष, एक लिमिट हो जाए। तो नंदीवर्धन ने कहा, 2 वर्ष तक कम से कम आपको घर में रहना होगा। भगवान कहते हैं, महावीर कहते हैं, मैं घर में रहूंगा लेकिन साधक जैसे रहूंगा, किसी भी काम में मैं इन्वॉल्व नहीं होऊंगा। तो घर में भी रहते हैं, ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, भूमि पे सोते हैं, रात्रि भोजन नहीं करते हैं, सचित नहीं खाते, सारे संकल्प घर में रहते हैं, एक प्रकार के साधु जैसा वो जीवन जीने लगे। कि नंदीवर्धन को लगा कि अरे ये तो घर में भी रहता है, कोई काम का नहीं। तो फिर नंदीवर्धन ने कहा, अब आपकी 2 वर्ष जब पूरा होने वाला था, नंदीवर्धन ने कहा, अगर आपकी इच्छा है, अब मेरी कोई मनाही नहीं है, आप दीक्षा ले सकते हो। तो नंदीवर्धन ने क्या किया, दीक्षा महोत्सव की तैयारियां शुरू कर दी और भगवान महावीर की दीक्षा मिक्सरवद्धि दशमी के दिन हो जाती है। मिक्सरवद्धि दशमी के दिन दीक्षा हो जाती है। दीक्षा लेते ही कर्म, जो कर्म इतने बांधे हुए थे उसके कारण भगवान महावीर स्वामी के जीवन में इतने कष्ट, इतने उपसर्ग आते, देव संबंधी, मनुष्य संबंधी और तीरंज संबंधी सब उनको कष्ट देते हैं। कहा जाता है 23 तीर्थंकर के कर्म एक साइड और भगवान महावीर स्वामी के अकेले के कर्म एक साइड, इतने कर्म का बंधन किया था, अब उसको भोगने के लिए अब उनकी आत्मा, मतलब भगवान महावीर स्वामी की अब आत्मा इतने कष्टों को, इतने उपसर्ग को भोग रही है। जहां भी जाते हैं वहां कष्टों की बौछारें। दीक्षा लेती प्रथम दिन ही दीक्षा ली और जैसे ही वो ध्यान में खड़े हो गए, फर्स्ट उनको उपसर्ग क्या आया, ग्वाले का आया। तो ग्वाले उनको बेल देने के, बेल संभालने के लिए कहा, आपको बेल संभालना है, लेकिन भगवान तो ध्यान में मग्न थे, भगवान ध्यान में मग्न थे, कोई ध्यान नहीं दिया और घूमते घूमते वापस बेल आ जाते हैं। उनको लगता है ग्वालों को ये कैसा चोर है, छुपा लिया था अब निकाला है, तो उनको जोर जोर से रस्सी से मारते हैं। तो पहले दिन से ही कष्ट शुरू हो गए। फिर सुलपाणि यक्ष के मंदिर में रुके, वहां भी सुलपाणि यक्ष यक्ष था, उन्होंने भी भगवान को 10 बड़े कष्ट दिए, बड़े उपद्रव दिए। भगवान तो मेरु की भांति अडोल अचल, क्योंकि वो तो आत्मा में लीन थे, और एक कष्ट भी व्यक्ति को आ जाए अगर अपने जीवन में तो व्यक्ति जिंदा नहीं रह सकता है, लेकिन ऐसे बड़े कष्ट दिए सुलपाणि यक्ष ने। उसके बाद भगवान वहां से विहार कर जाते हैं, अस्तिग्राम से भी, फिर राजगृह में पधार जाते हैं। ऐसे भगवान विहार कर रहे, एक गांव से दूसरे गांव जहां भी जाते हैं, स्वागत तो बहुत कम होता है, कष्ट ही कष्ट देते हैं सब लोग, मनुष्य भी देते हैं, तिरंज गति के जीव प्लस देव गति के जीव भी देते हैं। अब 11वां वर्ष चल रहा था भगवान के साधना का, नहीं 9वां वर्ष चल रहा था साधना का। उस समय भगवान महावीर सोचते हैं
यहाँ तो मेरे कोई परिचित मिल जाते हैं, इसलिए मुझे कष्टों से क्या है वो रक्षा करते हैं, लेकिन मुझे किसी की रक्षा नहीं चाहिए, किसी की सहायता नहीं चाहिए। मेरे इतने कर्म हैं, मुझे क्या करना है, कर्मों की निर्जरा करना है और मुझे केवल ज्ञान को प्राप्त करना है, वो किसी के सपोर्ट से मुझे नहीं करना है, मुझे अपने ही सपोर्ट से सारे कर्मों को खपाना है। इसलिए अब मुझे यहाँ नहीं रहना है, आर्य क्षेत्र में नहीं रहना है, अब मुझे अनार्य देश में जाना है। भगवान महावीर स्वामी नौमा जो साधना साधना का नौमा वर्ष चल रहा था, तो वो क्या करते, अनार्य देश में विहार कर देते हैं। अनार्य देश की ओर भगवान जा रहे थे, लोगों ने रोका, प्रभु अब इस मार्ग से मत जाओ, वहां के जो लोग हैं हिंसक हैं, क्रूर हैं, और वो सब मांसाहारी यानी नॉन वेज खाने वाले हैं, ऐसे क्रूर व्यक्ति हैं। जो भी वहां जाता है, कोई भी व्यक्ति वहां से जिंदा वापस नहीं आता है, हमारी बात माने तो आप वापस रास्ता बदल दे और कहीं विहार करे, लेकिन आप अनार्य क्षेत्र में न जाए। भगवान तो किसी की बात सुनते नहीं थे, न कोई प्लानिंग बनाते थे कि मुझे कहाँ जाना है, कितने दिन रुकना है। हम तो प्लानिंग बनाते हैं कि हाँ अमुक ऑरलैंडो में इतने समय रुकना है, ह्यूस्टन के इतने समय रुकना है, लेकिन भगवान तो कोई प्लानिंग भी नहीं बनाते थे। जब मर्जी आई तब विहार कर दिया, जब मर्जी हुई तब ध्यान में खड़े हो गए। अब अनार्य क्षेत्र में विहार कर रहे हैं, अनार्य क्षेत्र में वो पहुंच जाते हैं लाड देश में, वो बड़ा खतरनाक देश, वहां के लोग भी वृक्षभोजी होने के कारण इतने हिंसक, इतने क्रूर, भगवान को पहली बार देखा है, इतना हट्टा कट्टा व्यक्ति, इतना हृष्ट पुष्ट व्यक्ति को देख करके लोग सोचते हैं अरे इनका खून तो पीने जैसा है, अगर हम नहीं पिएंगे तो कुत्ते पी जाएंगे, ऐसा सोच करके वो क्या करते, भगवान से खून निकालते भगवान का। और भगवान जब शिला पर बैठ करके ध्यान करते, तो ध्यान करते तो भगवान के ऊपर कोई थूक देता है, कोई धूल उड़ाता है, उड़ाता है, कोई भगवान को हाथ में लेकर के ऊपर आकाश में उछालते, नीचे पटकते हैं, कोई रस्सी से बांधते हैं, कई लोग तो फांसी की सजा भी दे दी उनको, कि भगवान है वो कुछ बोलते नहीं, लगता है चोर है, चोर होता है कुछ नहीं बोलता है, चोर मान करके उनको फांसी की सजा दी गई। लेकिन जो तीर्थंकर होते हैं उनका आयुष्य क्या होता है, अनपवर्तनीय होता है, बीच में नहीं टूटता है। तो 7 बार फांसी के फंदे पे चढ़ाया गया, लेकिन 7ों बार फांसी का फंदा टूट जाता है। तो भगवान को कोई भी कुछ भी नहीं होता है, लेकिन उस स्थिति में भी भगवान क्या है, एकदम ध्यान में खड़े, ऐसे फांसी के फंदे पे चढ़ाया जा रहा है, कोई मार रहा है, कोई पीट रहा है, कोई थूक रहा है, कोई कुछ कर रहा है, फिर भी भगवान ध्यान की मुद्रा में, ध्यान में स्थित, कोई भी उनके मन में भी किसी के प्रति द्वेष भाव भी नहीं। ऐसे करते करते विहार करते करते अब भगवान का 11वां वर्ष शुरू हो जाता है। तो जब 11वां वर्ष साधना का शुरू हो जाता है, उस समय सौधर्म देवलोक का इंद्र वो भगवान की तारीफ कर रहा था, इस मनुष्य क्षेत्र में महावीर एक ऐसा जीव है, एक ऐसी आत्मा है, उनको मनुष्य तो क्या, हम देवता भी उनको विचलित नहीं कर सकते। तो सभी देवों ने एक्सेप्ट किया उनकी बात को, लेकिन एक देव ऐसा था जिन्होंने भगवान की बात को एक्सेप्ट नहीं किया, वो कौन था बताएं आपको, कौन सा देव था वो जिसने इंद्र की बात को स्वीकार नहीं किया, संगम देव। तो संगम देव क्या था, अभव्य था, अभवी, यानी अभवी का मतलब होता है जिसमें मोक्ष जाने की योग्यता नहीं होती, उसे अभव्य कहा जाता है। तो संगम अभव्य था, उनको इंद्र की बात अच्छी नहीं लगी, उन्होंने कहा अब ये क्या कर रहे, हमारे देवता का अपमान हो रहा है, कि हम देवता में इतनी शक्ति होती है, मनुष्य में क्या शक्ति होती है, आप अपमान करें, मैं जाऊंगा उनकी परीक्षा लूंगा, उनका टेस्ट करूंगा, उसके बाद मैं आपकी बात को स्वीकार करूंगा। अब इंद्र ने, अगर इंद्र मना करता है तो भगवान की कमजोरी लगेगी, इसलिए इंद्र की इच्छा नहीं थी कि वो जाए भगवान को कष्ट दे, लेकिन अब क्या करे, बिना इच्छा होते भी इंद्र क्या करते, उनको परमिशन देते हैं। अब इंद्र को पता चला संगम इतने कष्ट दे रहा भगवान को, तो कहा जाता है 6 महीने तक स्वर्ग में भी कोई भी नाटक नहीं, कोई वाद्य यंत्र नहीं, नहीं तो स्वर्ग में एनी टाइम नाटक होता रहता है, वाद्य बजते
बाजे गीत सॉन्ग सब चलते रहते हैं, लेकिन 6 महीने तक, क्योंकि इंद्र को इतना अंदर से दुख था कि मैं क्यों भगवान की प्रशंसा की, यदि नहीं करता तो भगवान को इतने कष्ट क्यों आते। 20 बड़े बड़े मारांतिक कष्ट, एक कष्ट भी अपने जीवन में आ जाए तो भी अपन जीवित नहीं रह सकते, ऐसे कष्ट 20 मारांतिक कष्ट। तो सबसे पहला कष्ट था प्रलयकारी धूलिवात, यानी इतनी प्रलय में जैसे कैसे धूल उड़ती है वैसे धूल इतनी उछालनी शुरू कर दी, पहला कष्ट भयंकर धूल, पूरा वातावरण धूलमय हो जाता है। दूसरा वज्रमुखी चींटियों द्वारा काटना, जो चींटियां होती हैं ये छोटी छोटी चींटियां होती हैं वो भी काट जाती हैं तो भी अपन तुरंत निकाल देते हैं, लेकिन वो वज्रमुखी ऐसी तीक्ष्ण जिसकी जो ऐसा मतलब काटने के बाद जलन हो भयंकर, वैसी चींटियां 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 कर दी और भगवान के शरीर पर छोड़ दी। भयंकर चींटियों का कष्ट, इतना कष्ट सहन किया, मतलब ध्यान में है फिर भी भगवान तो ध्यान से इधर उधर नहीं हिल रहे, आंखें बंद वो तो खड़े हैं अडल अडोल मेरु की भांति, अपने को एक चींटी भी काट जाए तो ध्यान रखेंगे या ध्यान भंग करेंगे, ध्यान खोलेंगे। लेकिन कुमारपाल राजा के लिए आता है कि वो जब वो ध्यान कर रहे थे तो उनको मकोड़ा काट जाता है, मकोड़ा काट जाता है, उन्होंने मकोड़े को हटाया नहीं लेकिन उतनी चमड़ी अपनी निकाल करके फेंक दी। तो कुमारपाल राजा का अपन नाम लेते हैं ना, आरती उतारी कुमार पाले, तो कुमारपाल राजा ने भी बहुत अहिंसा का पालन किया था, और कहा जाता है उनके पास जितने भी घोड़े थे गाय भैंस थी सबको पानी छान करके उनको पिलाया जाता था, ऐसी व्यवस्था की थी। 4 महीने चातुर्मास में कुमारपाल राजा कहीं आउट ऑफ नहीं जाते थे, बाहर नहीं जाते थे, और 4 महीने तक वो आयंबिल करते थे और ब्रह्मचर्य का पालन करते थे और अमारी का प्रवर्तन किया। इसके कारण कहा जाता है आने वाली 24 में कुमारपाल राजा प्रथम गणधर होने वाले हैं, अभी स्वर्ग में है, श्रेणिक राजा तीर्थंकर होंगे तो कुमारपाल राजा प्रथम गणधर बनेंगे। तो आज इसीलिए कुमारपाल राजा को अपन याद करते हैं क्योंकि उन्होंने इतने अहिंसा का पालन किया, तो ये महापर्व भी अहिंसा का संदेश देता है, अहिंसा का पालन करना है। तो भगवान महावीर स्वामी के सामने इतने कष्ट हैं, इतनी चींटियां, फिर भी भगवान तो ध्यान में खड़े हैं, इधर से उधर नहीं हो रहे। चौथा कष्ट दिया मच्छर, जो मॉस्किटो भयंकर, एक मच्छर भी अपने को परेशान करे तो अपन परेशान हो जाते हैं, लेकिन भगवान के तो चारों ओर मच्छर मच्छर बड़े बड़े मॉस्किटो कर दिए खड़े, इतने काट रहे पूरे शरीर को फिर भी भगवान तो अडोल हैं। और फिर जो दीमक कोई होती है दीमक लग जाती है, दीमक दीमक को द्वारा चमड़ी को चट कर देना, जो दीमक बोलते हैं तो उदय उदय, लाइक हाँ, तो दीमक, फिर उसके बाद बिच्छू, बिच्छू होते ना बिच्छू, बिच्छू डंक मारने लगे भगवान को, फिर जो नेवले होते हैं नेवले भगवान के मांस को नोच रहे हैं, सातवां था सर्प भयंकर सर्प, ऐसे बड़े बड़े सर्प भगवान को डंक लगा रहे हैं, और आठवां था चूहे जो होते रेट, वो चूहे भगवान के शरीर का मांस खा रहे हैं, और फिर हाथी जो हथीनी होती है वो भगवान को सूंड में लेकर के आकाश में उछालती है, फिर नीचे गिरने पर वो क्या करते हैं भगवान को नीचे गिरा करके पैरों से उसके ऊपर चलते हैं हाथी, ऐसा मतलब भयंकर कष्ट, पिशाच का रूप बना करके भगवान को क्या करते हैं कल मतलब पीटता है, और बाघ बन करके शरीर का विदारण, बाघ बन करके यानी लायन बन करके भगवान के शरीर को चीर रहे हैं। और सिद्ध वो फिर क्या करते हैं, कष्ट था 12वां, माता सिद्धार्थ पिता सिद्धार्थ माता त्रिशला का रूप बना करके वो रुदन विलाप करे कि तुम दीक्षा क्यों ले रही, हम तो दुखी हो गए, ऐसे करके वो विलाप कर रहे। 14वां कष्ट भगवान के पैरों के बीच आग जला करके खीर पकाए, आग जला करके खीर पकाए, उससे कहा जाता है भगवान के जो पैर थे वो आग से झुलस गए, मैंने आग क्योंकि पैरों के बीच अग्नि जल रही है, शरीर तो औदारिक था भगवान का, भगवान का पैर भी वो आग से जल जाते हैं। चांडाल का रूप बनाकर दूर वचनों से धरना, फिर चांडाल का रूप बना लेता है, फिर उनके इतने जो नहीं बोलने जैसे जो वचन होते वैसे वचन वो बोलता रहा, फिर चक्रवात जो हरिकेन आता है फ्लोरिडा में, हरिकेन कैसी उसमें स्पीड से कितनी
हवाएं चलती हैं, वैसी हवाएं चालू कर दी। उसके बाद कानों में तीक्ष्ण मुख वाले पक्षियों के पिंजरे, जो पिंजरे होते हैं ना, जो पांजरों नहीं ना, अपने पांजरों, तो पिंजरे उनके कान के ऊपर ऐसे वो चोंच मारे भगवान को, जिससे लहलुहान भगवान का ब्लड निकल रहा है नीचे, ऐसा कष्ट है। कि लोहे का गोला भगवान के मस्तक पर गिराना, लोहे का गोला बना दिया और फिर भगवान के मस्तक पर ऐसे डाल दिया। फिर रात्रि रहते 20, ये एक रात में सारे कष्ट है, एक रात में 20 मानन की कष्ट है। लास्ट कष्ट है रात्रि रहते दिन बना दिया, मतलब रात थी फिर भी दिन बना दिया। और लोग आते हैं और कहते हैं, अब यहाँ क्यों बैठे, उठो यहाँ से चले जाओ, ये रात नहीं है दिन है। तो ऐसे करके एक रात में भगवान को कितने कष्ट दिए, 20 मानन की कष्ट दिए। और ये संगम देव कितने महीने तक कष्ट देता है, 6 महीने तक कंटिन्यू, 6 महीने तक कंटिन्यू भगवान के पीछे पड़ गया। एक बार वो साधु का रूप बना करके घरों में घुस गया, घरों में जो जिसके कपड़े होते, कोई भी रुपए होते, कोई भी चीज होती उठा करके ले आता। फिर लोगों ने एक बार पकड़ लिया कि चोर हो, तो मैं चोर नहीं हूँ, मैं तो नौकर हूँ, मेरे गुरु चोर है, उनकी आज्ञा से मुझे काम करना पड़ रहा, आप उनको पकड़ो। भगवान को पकड़े लोगों ने और भगवान को फांसी की सजा दे दी। मतलब ऐसे ऐसे झूठे आरोप लगा करके ऐसे भगवान को कष्ट दिया, उनको संगम को लगा कैसे भी करके मुझे भगवान को विचलित करना है, जो इंद्र ने कहा उनकी बात को मुझे झूठ करना है। अब 6 महीने बीत गए, क्योंकि 6 महीने का टाइम था। अब 6 महीने जब पूरा होता है तो भगवान से कहता है, मैं आपको कैसे लगा, 6 महीने कष्ट दे दिया, उसके बाद संगम भगवान से क्या पूछता है, मैं आपको भगवान कैसे लगा, आपको कोई यदि कोई कष्ट दे, आपको कोई पूछे तो आप क्या बोलेंगे उनको, अच्छा क्या बोलेंगे, कुछ नहीं बोलेंगे हैं, कुछ भी नहीं बोलोगे। तो भगवान बोलो विजय भाई, अगर आपको कोई बोले 6 महीना नहीं, 6 दिन भी, 6 घंटे भी आपको कोई आपके साथ बिहेवियर अच्छा ना करे तो आप क्या पर करोगे, हैं, तो बद्दुआ देंगे ना। लेकिन भगवान ने क्या कहा, कि भगवान ने एग्जाम्पल से कहा, एक सेठ है, वो बिजनेस के लिए अमेरिका आता है, ठीक है, अमेरिका एक दलाल बहुत अच्छा है, उन्होंने कहा आपके पास जितना भी माल है मैं क्या करूंगा, सवाए पैसे में, मैंने जितने दाम है उसी सवाए दाम में सारा माल आपको बेच दूंगा। तो वो दाम सेठ को अच्छा, वो दलाल है, वो सेठ को अच्छा लगेगा या बुरा लगेगा, आपका सपोज कोई, आप चलो भारत चले गए, आप या अमेरिका है, आप भारत गए और भारत का कोई दलाल आपको मिल गया, अरे विरल भाई आप आए हैं, आपका सारा माल में सवाए दाम में बेच दूंगा, आप खुश होंगे या नाराज, हैप्पी होंगे ना। तो भगवान ने कहा जैसे वो दलाल क्या है, दलाल से वो सेठ हैप्पी हो गया कि आप तो कितने अच्छे हैं कि मेरा सारा माल सवाए दाम में बेच दिया, वैसे ही आप भी मेरे दलाल थे, मेरे इतने सारे कर्म थे, आपने कर्म को दूर करने में कितना बड़ा मेरा हेल्प किया, कितना बड़ा सहयोग किया, यदि तुम मुझे कष्ट नहीं देते तो मेरे कर्म कैसे खपते। तो भगवान कितना पॉजिटिव सोचा, तो हम भी बोध ले सकते हैं इससे कि हम भी पॉजिटिव रहे। महापर्व संवत्सरी हमें क्या मैसेज देता है, कोई भी हमारे सामने सिचुएशन आ सकती है, लेकिन उस सिचुएशन में भी हमें क्या रहना है, पॉजिटिव रहना है, उसमें से पॉजिटिव हम निकाल सकते हैं। तो भगवान के सामने इतने कष्ट थे फिर भी भगवान क्या कहते हैं, भगवान क्या कहते हैं संगम को, तुम मुझे बहुत अच्छे लगे क्योंकि तुम तो दलाल थे मेरे कर्मों को काटने के लिए। तो संगम को और गुस्सा आ जाता, और गुस्सा आ जाता कि ये कैसे, अभी तक उनका मन विचलित नहीं हुआ। तो संगम क्या करता है, भगवान के दोनों पैर पकड़ करके जैसे अपने कपड़े को, पहले आपको याद हो तालाब पे जाते थे कपड़े को शिला के ऊपर करते थे ना ऊपर नीचे, भगवान के पैर पकड़ करके ऊपर नीचे कपड़े की भांति ऐसे उछालने लगा, कपड़े को नहीं करते ऐसे धोखे से, हाँ फटक फट फटकारता है, पैर को पकड़ करके ऐसे करने लगा। उतने में तो सौधर्म इंद्र, क्योंकि 6 महीने का टाइम उनका था, टाइम बाउंड पूरा होने वाला था, इंद्र महाराज दौड़ करके आ जाते, अरे 6 महीने तक तुमने कष्ट दी, अभी तक पता नहीं चला तेरे को कि भगवान कितने क्षमाशील है, कितने अडोल है, वो किसी से विचलित होने वाले नहीं है, अनंत बली है, अभी तक तुमको समझ में नहीं आया, अब तेरा स्वर्ग में कोई स्थान नहीं है,
सामानिक देव था पहले देवलोक का, अब कोई भी तेरा स्वर्ग में स्थान नहीं, कोई भी तेरे को स्थान नहीं देगा, सब धुतकारेंगे धिक्कारेंगे, अब तुम चूल हिमवन पर्वत के पास चले जाओ, अब यहाँ स्वर्ग में तुम रह नहीं सकते हो। एक पल्लोप की स्थिति वाला देव अभी भी वो चूल हिमवन पर्वत जो है वहां पे अपने फैमिली के साथ रह रहा है, लेकिन स्वर्ग से उसको बहिष्कृत कर दिया, क्योंकि इतने कष्ट दिए भगवान को, जिसके कारण उनको बहिष्कृत करा कर दिया गया। भगवान ने कितने कष्टों को सहन किया, पूरे साधना का उनका मेरे को लगता है 12.5 वर्ष में बहुत कम समय जो होगा भगवान को कष्ट या उपद्रव न आए हो, लगभग उनका हर गांव में हर चातुर्मास में उनको उपद्रव देव संबंधी मनुष्य संबंधी हिरण संबंधी अनेक प्रकार के उनको उपसर्ग आते रहे। ऐसे करते करते भगवान के 11 वर्ष साधना के कंप्लीट हो गए। अब 12वें वर्ष में भगवान प्रवेश कर रहे हैं, तो 12वें वर्ष में भगवान कौशाम्बी नगरी पधारते हैं। कौशाम्बी नगरी का नाम सुना है, कौशाम्बी नगरी भगवान पधारते हैं। तो कौशाम्बी नगरी में जब भगवान पधारते हैं तो भगवान ने संकल्प किए, कितने कितने संकल्प की याद है आपको? भगवान ने साधना काल का जब 12वां वर्ष चल रहा था तब कितने संकल्प किए थे देवांग भाई, याद है विजय भाई? किसको याद है? 13 संकल्प किए थे, 13 13 संकल्प किए थे। वो संकल्प पूरा होगा तो ही मैं आहार पानी लूंगा, अदरवाइज कुछ भी नहीं ग्रहण करूंगा। प्रतिदिन वो जाते हैं कौशाम्बी नगरी में भिक्षा के लिए, गोचरी के लिए, लेकिन देखते संकल्प पूरा नहीं हुआ। वो संकल्प कौन से थे? 13 संकल्प, पता है किसी को? पहला संकल्प वो राजकन्या हो, दूसरा संकल्प वो बाजार में बेची गई हो, पहला संकल्प था वो, जो जो भी मैं संकल्प करा वो लड़की कैसी होनी चाहिए? राजकन्या होनी चाहिए और बेची हुई होनी चाहिए और माथे मुंडी होनी चाहिए, सिर में कोई घाव होना चाहिए, हाथों में हथकड़ी होनी चाहिए, पैरों में बेड़ी होनी चाहिए, 3 दिन की भूखी होनी चाहिए और भोयरे में यानी जो बेस्टमेंट तल घर में वो होनी चाहिए, वो लड़की ने तल घर में रही हुई हो। आधा दिन बीतने के बाद एक पैर दरवाजे के अंदर एक पैर बाहर होना चाहिए, सुपड़ा होता ना सुपड़ा, सूप के कोने में बाकुले होने चाहिए, उड़द के बाकुले, आंख में आंसू होने चाहिए। ये 13 बोल यदि मिलेगा तो मैं पारणा करूंगा, अभिग्रह लिया। अभिग्रह हम लेते हैं ना जब उपवास का पारणा करते हैं, 28 वाले को जो बड़ी तपस्या करते हैं उनको तो अभिग्रह करना चाहिए, उपवास के पारणे में भी हम अभिग्रह कर सकते हैं। तो आपको भी ऐसा अभिग्रह तो आप नहीं कर पाएंगे, लेकिन कम से कम ऐसे कर सकते कि भक्तामर का पाठ करके, नवकार मंत्र की माला करके, एक सामाई करके हम पारणा करेंगे। इससे पहले हम पारणा नहीं करेंगे। या 13 व्यक्ति मुझे कहे, 13 बोल की जगह 13 व्यक्ति मुझे आकर के कहे विरल भाई मेरे पे अभिग्रह हो तो आप पारणा करना, 13 व्यक्ति कहे तो हम पारणा करेंगे। या अमुक खुद के ऊपर भी ले सकते हैं, दूसरे पर भी ले सकते हैं, या समणी जी मुझे मंगल पाठ सुनाए तो मैं पारणा करूंगा, कोई भी अभिग्रह हम भी ले सकते हैं। लेकिन भगवान महावीर तो महावीर थे, वो तीर्थंकर की आत्मा थी, इसीलिए ऐसे ऐसा अभिग्रह अपन सोच भी नहीं सकते, कल्पना भी नहीं कर सकते, ऐसा भी कोई अभिग्रह लिया जा सकता है। भगवान महावीर ने 13 बोलों का संकल्प किया, ये 13 बोल जब मुझे मिलेंगे तब मैं पारणा करूंगा, अदरवाइज मैं पारणा नहीं करूंगा। ऐसे करते करते प्रतिदिन जाते हैं गांव में भिक्षा के लिए, लेकिन कोई भी बोल अभी तक मिला नहीं। एक दिन ऐसे करते करते 5 महीने 25 दिन जब पूरे होने वाले थे, 25वां दिन चल रहा था, उस दिन वो चलते चलते जो धन्नावाहा जो मूला जी मूला सेठानी उनके घर वो जाते हैं। मूला तो पियर चली गई थी, चंदन बाला जो अंदर थी वो उसको क्या किया था, चंदन बाला के बाल कट कर दिए थे और भोयरे में डाल दिया था। और जब वो धन्ना सेठ आते हैं, देखा अरे घर में कोई नहीं, चंदना चंदना कहते, तो पिताजी मैं भोयरे में हूँ, तो भोयरे से बाहर निकालते हैं, 3 दिन की मैं भूखी हूँ, पिताजी मुझे कुछ खाने के लिए दो। तेला किया नहीं था, तेला हो गया था, अभी तो हम चंदन माला का तेला कराते ना, चंदन बाला ने इच्छा से तेला नहीं किया था, वो सहज में नहीं मिला इसलिए हो गया। वैसे भगवान ऋषभ ने भी वर्षी तप नहीं किया था, अंतराय कर्म था, उनको मिला नहीं इसलिए
13 मास 10 दिन उनको भूखा रहना पड़ा, लेकिन उनकी याद में हम क्या करते हैं, वर्षित करते हैं। वैसे ही चंदन बाला की याद में हम क्या करते हैं, तेला करते हैं बाकुले से, कई लोग पारने भी करते बाकुले से। तो चंदन बाला से कहा कि पिताजी मुझे कुछ खाने के लिए दो। तो पिताजी ने देखा, धन्ना ने देखा कि मूला तो सब कुछ बंद करके चली गई है, एक गाय भैंसों को डालने के लिए बाकुले होते हैं वो पड़े हैं, तो एक वो थाली भी नहीं थी शायद, इसलिए सूप में जो सुपड़ा होता है, आपने गुजराती सुपड़ू कहिए, सूप में डाल करके, सूप मतलब पीने वाला नहीं, सुपड़ा, सुपड़े में डाल करके वो उड़द के बाकुले पकड़ा दिए कि बेटा तुम ये खाते रहो, तब तक मैं लुहार को बुला करके तुम्हारी जो बेड़ियां और हथकड़ी जो बंधी हुई है उसको काटने के लिए लुहार को बुला के आता हूँ। तो लुहार को पीछे से बुलाने के लिए जाते, इधर भगवान गोचरी करते 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 वहां पहुंचते हैं। वो लड़की बाहर बैठी हुई थी, देखा भगवान ने, 12 तो मेरे बोल पूरे हो रहे हैं, वो 12 बोल तो पूरे हो गए, राजकन्या भी है, सिर से मुंडित भी है और हाथ में बाकुले भी है और सिर में घाव भी है, क्योंकि मूला ने मारा भी था, ठोका भी था, और भोयरे से वो निकली हुई है, और सूप हाथ हाथ में सूप है, सुपड़ा है, बाकुले हैं, वो कोने में बाकुले हैं, तो सब कुछ सब बोल मिल रहे हैं, लेकिन एक बोल नहीं मिल रहा, इसलिए भगवान तो लौट करके चले गए। अब जैसे ही चंदन देखा मैं कितनी दुखी आ रही हूँ, भगवान भी देखो, भगवान भी कैसे है, वो भी लौट गए, उनको भी कोई दया नहीं आई मेरे पे। तो वो क्या करती है, जोर जोर से रोने लगती है, अब इतने आंखों से पानी बहने लगे, भगवान ने देखा, वापस मुड़ करके आते, अब रोने की आवाज सुनी तो भगवान मुड़ करके आए, देखा तेरा जो मेरा बोल था, अभिग्रह था, वो पूरा हो गया है। भगवान उनके हाथ से क्या लेते हैं, 6 महीने 5 महीना 25 दिन की तपस्या के पाड़े में क्या लेते हैं, बाकुले। तो हम बोलेंगे 28 का पाड़ा है, ध्यान रखना, केर का पानी पीना, मूंग का पानी पीना, खट्टाई मत खाना, सूखा मत खाना, लेकिन भगवान पाड़े में, वो भी कितना पाड़ा, 1 दिन का नहीं, 2 दिन का नहीं, 25 दिन का भी नहीं, 5 महीने 25 दिन का पाड़ा, ये हाईस्ट तपस्या थी। एक बार और भी की थी 6 महीने की तपस्या, तो 5 महीना 25 दिन की तपस्या में उड़द के सूखे बाकुले, भगवान को तो सूखे बाकुले मिलना भी मुश्किल था, एक चुल्लू भर गर्म पानी भी पीने को नहीं मिलता था, रहने के लिए भगवान को स्थान भी नहीं मिलता था। एक बार वो अनार्य देश में गए, वहां तो कोई स्थान नहीं मिला, तो वृक्षों के नीचे इधर उधर घूम करके चातुर्मास पूरा किया, कोई स्थान देने वाला नहीं, कोई रोटी देने वाला नहीं, कोई पानी देने वाला नहीं, ऐसे भगवान थे, लेकिन भगवान को भी कोई पता नहीं कैसे लोग थे कि भगवान को भी ऐसे ऐसे कष्ट दे दिए। तो ऐसे करके भगवान ने जैसे ही बाकुले लिए उनके हाथ से, चंदना के हाथ से, उसी समय क्या होता है, पंच दिव्य प्रकट होते हैं, पंचवर्षीय फूलों की वर्षा होती है, अहो दानम ऐसी देव दुंदुभि भी बजने लगती है। जैसे मूला को पता चलता, अरे ये तुम हमारे घर में, मतलब कितना मेरा भाग्य है कि हमारे घर में भगवान पधारे और ऐसे वर्षा हुई है, तो दौड़ती है, और चंदना भी कितनी पॉजिटिव थी, ये सारा श्रेय जो भगवान को मैंने पाना कराया वो सारा श्रेय हमारी शेठानी को जाता है, अगर अपन होते हैं तो वो बोले सारा श्रेय भगवान शेठानी को जाता है, क्योंकि शेठानी यदि मेरे साथ ऐसा नहीं करती तो मुझे कहाँ से अवसर मिलता। उसी समय चंदन बाला वापस राजकुमारी बन जाती है, भगवान को जैसे दान दिया तो वो राजकुमारी बन जाती है, सारे बाल आ जाते, हथकड़ी जो थी वो सारे सोने के आभूषण बन गए, सोने के आभूषण बन गए, सोने के आभूषण बन गए, वो चंदना उतार करके सेठानी को देती, ये आपके कारण सब मिला है, मेरे से नहीं, मेरे में कुछ ताकत नहीं, आपके कारण ही सब कुछ भगवान पधारे हैं। इतनी पॉजिटिव थी, तो हम भी पॉजिटिव सीखे कि कोई भी अपने साथ बिहेवियर सही ना करे तो भी हम पॉजिटिव रहे तो हमारी कर्मों की निजरा होगी। तो उसी समय वो वापस राजकुमारी बन जाती है, और अब जो मूला माता थी वो भी अब अच्छा रखने लगी, लेकिन अब चंदना बोलती है कि अब संसार का स्वरूप मैंने देख लिया है, अब मुझे संसार में नहीं रहना है, जिसने मुझे शरण दी, जिसने मुझे तारा, जिसने मेरा उद्धार किया, उनकी शरण में मुझे जाना है। अब चंदन बाला को वैराग्य हो जाता है। इधर भगवान का अब 12वां वर्ष चल रहा है, 12 वर्ष कंप्लीट हो जाते हैं साधना का, अब 13वां वर्ष प्रारंभ हो जाता है। तो 13वें वर्ष में अब भगवान विहार कर रहे हैं, विहार करते करते वो जंबिये गांव, जंबिये गांव माने जंबिये गांव में पधारते हैं।
और वो ऋजु बालिका नदी, गाथापति श्यामक, गाथापति का खेत, वहां पे पधारते हैं। वैशाख शुक्ला दशमी का दिन गोदोही का आसन में विराजते हैं। गोदोही का आसन होता है ना, गो गाय धोते ना, उस आसन में प्रभु विराजमान होते हैं। शुक्ल ध्यान करते हैं। शुक्ल ध्यान की श्रेणी में ऐसे भावों की श्रेणी बढ़ती है। भावों की श्रेणी बढ़ने से सबसे पहले मोहनीय कर्म को नष्ट करते। मोहनीय कर्म क्या है? सेनापति, राजा है, किंग है। किंग ही खत्म हो जाए तो सेना, तो सेना में तो कोई ताकत ही नहीं होती खड़े रहने की। तो किंग खत्म हो गया यानी मोहनीय कर्म खत्म हो गया। अब शेष तीन कर्म तो अपने आप खत्म हो गए। भगवान को केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई। कब हुई प्राप्ति? वैशाख शुक्ला दशमी के दिन। कहाँ पे हुई? बिजू बालिका नदी के किनारे। किसका खेत था? श्यामक गाथापति किसान का खेत था। ठीक है, गांव क्या था? जंभिये गांव। तो केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है। केवल ज्ञान की प्राप्ति होते ही भगवान का मौन खुल गया, क्योंकि भगवान ने संकल्प किए थे, पांच संकल्प किए थे। उनमें था, जब तक केवल ज्ञान प्राप्त न हो तब तक मैं बातचीत नहीं करूंगा, मौन रहूंगा, प्राय मौन रहूंगा। तो वो संकल्प पूरा हो गया। अब भगवान के तीर्थंकर गोत्र का उदय हो गया। तीर्थंकर गोत्र का उदय होने से उनको देशना देनी होती है। ये तीर्थंकर गोत्र का बंधन जो हुआ था अब वो उदय में आ गया। अब इसीलिए भगवान को अब देशना देनी है। तो भगवान को केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है तो सौधर्म देवलोक का जो इंद्र है उनका आसन क्या होता है? कंपित होता है, कंपायमान होता है। तो पता चला कि भगवान को केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई। तो सारे सुघोष नाम का जो घंटा होता है स्वर्ग में बजाया जाता है, ताकि सभी देवताओं को मैसेज मिल जाए कि भगवान को केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई है। तो केवल महोत्सव मनाने के लिए कौन आते हैं? देवगण आते हैं। 64 इंद्र, इंद्राणियां और असंख्या मतलब बहुत सारे देवताएं, देवी देवताएं भगवान का केवल महोत्सव मनाने के लिए आते हैं। भगवान ने देशना देना शुरू की। देव दुंदु भी बजाए देवता ने, कि जो भी आसपास के लोग हो भगवान की वाणी सुनने के लिए आ जाए, क्योंकि देव दुंदु भी होती है, वो कई योजन तक उनकी साउंड जाती है। तो देवता ने देव दुंदु भी बजाई। लेकिन पता नहीं भगवान को जंगल में केवल ज्ञान हुआ था, शायद इसीलिए उन्होंने सुनी नहीं, क्या बात पता नहीं। लेकिन भगवान ने जब देशना देने शुरू की, देशना बहुत अच्छी लगी देवताओं को। देवताओं ने सराहना की, तारीफ की, भगवान आपकी वाणी वास्तव में बहुत अच्छी थी। लेकिन कोई भी श्रावक, साधु, साध्वी, श्राविका नहीं बने। कहा जाता है तीर्थंकर की देशना कभी भी खाली नहीं जाती है। लेकिन भगवान महावीर ने जो देशना दी, उस समय देवता झेल नहीं सकते, त्याग कर नहीं सकते हैं। इसीलिए भगवान की प्रथम देशना क्या होती है? खाली जाती है। 10 अच्छे राय जो इस अवसर पीणी काल में हुए। अच्छे राय यानी अनहोनी घटना, जो कभी नहीं होती ऐसी घटना होती, उसको बोलते अच्छे राय। तो 10 अच्छे राय हुआ। तो ये जो प्रथम देशना खाली गई वो भी क्या था? एक प्रकार का अच्छे राय था, आश्चर्य था। जो गर्भहरण हुआ वो भी अच्छे राय था। और ये भगवान की प्रथम देशना खाली गई वो भी अच्छे राय था। तो भगवान की प्रथम देशना खाली गई, कोई भी श्रावक श्राविका यानी चतुर्विध धर्म संघ की स्थापना नहीं हुई। तीर्थंकर होते वो क्या करते? तीर्थ की स्थापना करते हैं। तीर्थ का मतलब क्या होता है? साधु, साध्वी, श्रावक, श्राविका। तो तीर्थ की स्थापना नहीं कर पाए। प्रथम यानी वैशाख शुक्ला दशमी के दिन कोई भी तीर्थ की स्थापना नहीं हुई। अब भगवान महावीर स्वामी वहां से विहार करके आगे पधार जाते हैं। तो दूसरे गांव में पधारते हैं, मध्यम पावा। जंभिये गांव से विहार करके भगवान कहाँ पधारते हैं? मध्यम पावापुरी में पधारते हैं। तो वहां पे पधारते हैं। तो वैशाख शुक्ला 11 का दिन भगवान वापस देशना देना शुरू करते हैं। देवी देवता तो सब थे, अब श्रावक श्रावी मतलब मनुष्य भी आ गए, काफी मनुष्य भी आते हैं। इधर कहा जाता है जो गौतम आदि जो गणधर थे ना, अभी गणधर तो नहीं बने, वो ब्राह्मण थे, सारे के सारे पंडित थे, ब्राह्मण थे, उनका भी यज्ञ चल रहा था। तो मध्यम पावा में उनका भी यज्ञ चल रहा था। तो वो सारे पंडित, बहुत सारे पंडित यज्ञ को करने के लिए आए थे। ये जो 11 पंडित हैं
वो अपने शिष्यों के साथ आए थे, 500 500 शिष्यों के साथ, वो भी कोई 400 कोई 500 के साथ, वो सभी वो यज्ञ करने के लिए आए हुए थे। अब आकाश मार्ग से देखे, एक के बाद विमान के विमान जा रहे हैं, फ्लाइट, अपन फ्लाइट बोलते हैं, देवी देवता के विमान होते, विमान जा रहे हैं। उनको लगा आज तो हमारा यज्ञ कितना पुण्यशाली है कि हमारे यज्ञ में सारे देवी देवता आ रहे हैं, लेकिन देखते हैं अरे ये विमान तो यह नहीं उतरे, वो तो आगे जा रहे हैं। तो इंद्र को, गौतम को लगता है, इंद्रभूति नाम था, इंद्रभूति गौतम, तो उनको लगता है अरे हमारे से भी कौन बड़ा व्यक्ति आ गया, हम तो सोच रहे हमारे से बड़ा कोई व्यक्ति नहीं, कौन इंद्रजालिक आ गया, अब मैं जाता हूँ उनको पराजित करके आता हूँ। ये सारा झूठा आडंबर कर रहा है, सारा यज्ञ तो यहाँ हो रहा है, तो वहां कौन जा रहा है। तो अब क्या करता है इंद्रभूति, अपने 11 जो भाई, 11 शिष्य और उनके उनके जो जितने भी शिष्य थे, इंद्रभूति के 500 थे, वैसे ही अचल भ्राता जितने भी थे, सब अपने शिष्य समुदाय के साथ भगवान के पास जाते हैं। जैसे इंद्र जो भूति थे वो सबसे बड़े थे, तो जैसे ही भगवान को वंदन किया, भगवान ने कहा अरे गौतम तुम आ गए। उसने सोचा मेरा नाम किसी को पता नहीं, इनको कैसे पता चला, मतलब इनके इनके इनसे तो मेरी कोई बातचीत भी नहीं हो, मेरा नाम कैसे जाना। फिर सोचा मैं तो इतना बड़ा पंडित हूँ, मेरे को कौन नहीं जानता, इतना अहंकार था, इतना घमंड था, भगवान को पराजित करने के लिए आया था, भगवान से विवाद करने के लिए आया था। अब भगवान कहे अरे गौतम आपके मन में ये डाउट है, क्या डाउट था भगवान गौतम के मन, आत्मा है या नहीं, आपके मन में क्या डाउट था, गौतम के मन में आत्मा है या नहीं। कई लोगों का आज भी डाउट होता है कि आत्मा तो दिखाई नहीं देती, आत्मा को हम कैसे माने, शरीर ही दिखाई देता है, शरीर ही है, शरीर भस्म होता है तो आत्मा भी भस्म हो जाती है, कुछ शरीर से अलग नहीं है। लेकिन गौतम के मन में भी यही डाउट था, आत्मा कोई दिखाई नहीं देती है इसलिए हम आत्मा को कैसे माने। तो गौतम तुम्हारे मन में ये डाउट है, तो हाँ तब उनको अब विश्वास होने लगा कि ये कोई सामान्य व्यक्ति तो नहीं है, ये कोई विशेष है, स्पेशल व्यक्ति है, उनके पास लगता है कोई ज्ञान है। अदरवाइज मेरे मन में जो मेरा नाम तो कोई बात नहीं, मैं इतना बड़ा पंडित हूँ, मेरा नाम तो जान सकते, लेकिन मेरे मन में जो डाउट है आत्मा के, आत्मा को लेकर के, जीव को लेकर के, आज तक मैंने किसी के पास चर्चा नहीं की, इन्होंने कैसे जान लिया। अब उनका जो अहंकार था धीरे धीरे कम होने लगा, अब अहंकार जो था वो अब कम होने लगा, अब धीरे धीरे भगवान के पास निकट आ गए और भगवान से कहा लगता है आप ही इस युग के सर्वज्ञ हैं, अब मैं आपका शिष्यत्व स्वीकार करना चाहता हूँ। तो भगवान ने उनको क्या कर दिया, शिष्य बना दिया, यानी दीक्षा दे दी। अकेले गौतम ने दीक्षा नहीं ली, उनके साथ जो शिष्य थे वो सारे दीक्षा लेते हैं, यानी 1444, 1444, 1444 यानी 1444 शिष्य एक साथ भगवान के पास दीक्षित हो जाते हैं, तो साधु बन गए। और प्रथम जो गौतम थे उनको गणधर बना दिया, और उसके बाद जो चंदन बाला थे उनको भी वैराग्य हो गया था। अब चंदन बाला भी क्या है, दीक्षा लेने के लिए आती है, तो भगवान ने उनको भी दीक्षा दे दी, तो साध्वी भी हो गए, साधु साध्वी हो गए। वैसे कई लोगों ने श्रावक के जो दीक्षा नहीं ले सकते थे उन्होंने क्या किया, श्रावक के जो 12 व्रत हैं आज जो हम आपको दिलाने वाले हैं, श्रावक के 12 व्रत, वो श्रावक के 12 व्रत स्वीकार किए, तो श्राविका भी बन गए और श्रावक भी बन गए, साधु भी बन गए, साधी भी बन गए, ऐसे करके भगवान के चतुर्विध धर्म संघ हो गया, यानी भगवान ने चतुर्विध धर्म संघ की स्थापना की, तीर्थ की स्थापना की। ये तीर्थ की स्थापना होने के बाद भगवान का ये जो सर्वज्ञता है, यानी लगभग 30 वर्ष तक ये केवल ज्ञान रहता है, क्योंकि टोटल भगवान की उम्र कितनी है, 72 ईयर की, तो 42 वर्ष में भगवान को केवल ज्ञान हुआ, 30 वर्ष की उम्र में भगवान ने दीक्षा ली, 42 वर्ष में भगवान को केवल ज्ञान हुआ, 30 वर्ष तक और केवल ज्ञान रहेगा। तो 30 वर्ष तक केवल ज्ञान रहा, तो जब 30वां वर्ष आता है तब भगवान क्या करते हैं, हस्तिपाल राजा के निवेदन से पावापुरी पधार जाते हैं। अंतिम चातुर्मास भगवान कहाँ करते हैं, पावापुरी में करते हैं, हस्तिपाल राजा के निवेदन से हम पावापुरी में चातुर्मास करते हैं। और भगवान को लगा अब मेरा जो निकट आ गया है समय, अब यहाँ अब मेरा आयुष्य ज्यादा नहीं है, तो भगवान क्या करते हैं, संथारा लेते, 2 दिन का संथारा,
तो 2 दिन का अनशन स्वीकार करते हैं। उस अनशन में भगवान क्या करते हैं, सुख विपाक और दुख विपाक जो हम सूत्र पढ़ते हैं, अभी वो वर्तमान में वो नहीं है, लेकिन 55 अध्ययन सुख विपाक के और 55 अध्ययन दुख विपाक के, ऐसे करके 110 चैप्टर भगवान ने उस दिन बोले थे। वर्तमान समय में हम 10 10 तो पढ़ते हैं, सुख विपाक के 10 चैप्टर मिलते हैं और दुख विपाक के भी 10 चैप्टर मिलते हैं, लेकिन भगवान ने कितने बोले थे, 110 चैप्टर बोले थे, क्योंकि काफी लोस्ट हो गया। और उस समय भगवान ने कहा जाता है, वो जो उत्तराध्यान के हम 36 चैप्टर पढ़ते, उसमें कोई बोलते 36 अध्ययन भगवान ने उस दिन कहे थे, कोई बोलते 36वां चैप्टर कहा था। तो जो भी है उत्तराध्यान सूत्र है, वो भगवान की अंतिम देशना है। तो भगवान महावीर को लगा मेरा समय निकट आने आ गया है। तो गौतम स्वामी उनके पास थे, उनका सबसे ज्यादा स्नेह था भगवान के प्रति, इतना स्नेह था, इसके कारण उनको केवल ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो रही थी। इसलिए भगवान क्या कहते हैं, आपको देव शर्मा जो पास वाले गांव में देव शर्मा नाम का जो पंडित है, उनको प्रतिबोध देने के लिए जाना है। तो गौतम स्वामी बहुत विनीत थे, भगवान की आज्ञा को शिरोधार्य करके वो देव शर्मा ब्राह्मण को प्रतिबोध देने के लिए जाते हैं। और पीछे से मैसेज आता है, भगवान महावीर स्वामी निर्वाण पधार गए, यानी मोक्ष पधार गए। अब गौतम जैसे ही सुनता, तुरंत ही उसी पे लौट करके आते, और भगवान का शरीर निश्चेष्ट, अब आत्मा नहीं रही तो शरीर एकदम कैसे हो जाता, ऐसा देख करके वो उसी समय चक्कर आकर के गिर पड़े गौतम स्वामी, क्योंकि इतना स्नेह था। जिसके प्रति मोह होता है, वो प्रिय व्यक्ति कोई चला जाए तो व्यक्ति को मोह होना स्वाभाविक है, वो गिर गए चक्कर आकर के। फिर बाद में वो देखते हैं भगवान को देख करके कितनी देर तक वो रोते रहते हैं कि भगवान आपने क्या चीटिंग की, आपने भी मेरे साथ, लोग तो चीटिंग करते, आप भगवान होकर के भी आपने चीटिंग की, आपको क्या कमी थी मोक्ष में, मैं तो इतनी सी जगह रोकता, मैं पूरी जगह तो ऐसे भी नहीं रोकता, आप अगर मेरे को साथ में लेकर के पधारते, आपको क्या प्रॉब्लम थी, आपने ऐसा मेरे साथ क्यों किया। ऐसे काफी देर तक वो ऐसे करते रहे, रोते रहे, विलापात करते रहे, लेकिन बाद में वो संभल जाते, अरे भगवान तो वीतराग थे, मेरे भी तो राग है, इसलिए धीरे धीरे करके राग द्वेष जो थे वो खत्म किए। जिस रात्रि में भगवान महावीर स्वामी केवल ज्ञान मोक्ष पधारे, उसी रात्रि को सुबह होते होते गौतम स्वामी को भी केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। इस प्रकार हमने संक्षेप में भगवान महावीर स्वामी का जीवन देखा। उसके बाद भगवान महावीर स्वामी ने अहिंसा, अनेकांत, अपरिग्रह आदि कई सिद्धांत दिए, जो वर्तमान में भी इतने उपयोगी हैं। भगवान महावीर स्वामी ने तो 2600 वर्ष पहले अहिंसा, अनेकांत और अपरिग्रह का सिद्धांत दिए थे, वो वर्तमान समय में भी इतने ही यूजफुल है, जो उस समय थे उससे भी अभी वर्तमान में ज्यादा यूजफुल है। उनके सिद्धांतों को, उनके उपदेशों को अगर हम जीवन व्यवहार में उतारे तो शायद हमारे भीतर बहुत कुछ परिवर्तन हो सकता है। इसी आशा के साथ ओम अरहम, ओम अरहम। बड़े समय जी पधार